हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग मैंने जो है वो आपको सिखानी है कि मैंने जो है किस तरह से कपड़े जो है मैं सिलती हूँ, ठीक है। तो आज मैंने सीना है, शलवार है, ट्राउज़र है। ट्राउज़र मैंने कटिंग कर ली है, आपको दिखाना है, ठीक है। तो एक बंच जो है वो आगे की साइड है और एक बंच जो है वो पीछे की साइड है। तो अलग अलग नहीं था तो बहुत ही मुश्किल हुआ ट्राउज़र की कटिंग करने में। मैं आपको दिखाऊँगी। और जो साइड पर है वो जोड़ आया है, वरना ट्राउज़र में जोड़ नहीं आता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने कटिंग कर ली थी। अगर आप लोगों को कटिंग की भी देखनी है वीडियो तो आप लोग कमेंट्स में बताना, तो मैं कटिंग भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है, पुराने स्टाइल की तो न्यू स्टाइल नहीं है, ठीक है, सॉरी। क्योंकि मैं जिस तरह भी सिलाई करती हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कर लेती हूँ। ऐसी नहीं है कि मैं बैठी रहती हूँ, कर लेती हूँ, अच्छा से कर लेती हूँ। तो अगर आप लोगों को भी सीखनी है मेरी कटिंग, मेरी सिलाई, तो आप लोग कॉमेंट्स में ज़रूर बताना, तो मैं आपको ज़रूर कटिंग दिखाऊँगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने डिज़ाइन बनानी है, बुकरम जो है मैंने लगा दिया है कपड़े पर, ठीक है। तो ये जो कपड़ा था ये अस्तीन का कपड़ा था, पट्टियों वाला, तो ये मैंने अलग से शलवार पे लगानी है, ठीक है। तो जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा तो मैंने यहाँ पर जो है वो बुकरम कर दिया है प्रेस, और इसको अलग से कपड़ा लेकर ऊपर रख कर और उस पर सिलाइयाँ करनी है, ठीक है। तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो इसी तरह से मैं ये सिलाइयाँ लगाऊँगी यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि जो है वो मेरा ट्राउज़र है वो उसका लुक आ जाएगा। अगर डिज़ाइन करते हैं थोड़ा भी बहुत डिज़ाइन कर लेते हैं, और सच बोलूँ तो मुझे डिज़ाइन वाले कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। मैं कुछ ना कुछ लगाती रहती हूँ, जैसे कि मैं डिज़ाइन बना लेती हूँ या फिर लेस वगैरह लगा लेती हूँ। बिल्कुल सादे से सूट मुझे पसंद नहीं आते पहनने, ठीक है। आपने देखा होगा हर सूट पर कुछ ना कुछ लेस लगी हुई होती है, तो मुझे इसी तरह के कपड़े पसंद है। और ये जो डिज़ाइन आप देख रहे हैं तो ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है, ठीक है। तो ये आजकल बहुत चल रही है इंटरनेट पे, तो मैंने कहा जो है मैं भी ट्राई करूँ किस तरह जैसे कि बनती है। तो वैसे तो बहुत ही मुश्किल थी ये डिज़ाइन, मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, शायद आप लोग कर लेते होंगे, ठीक है। तो वही देखिए, आज मेरी फिर से बात करने में बहुत ही सांस फूल रही है, पता नहीं क्यों। तो बस आजकल मेरे व्लॉग नहीं आए तो सॉरी, बहुत कम मैं डाल रही हूँ व्लॉग, तो कुछ रीज़न है इसीलिए नहीं डाल रही हूँ, कुछ मसला है। तो बस जैसे ही मैं फ्री होती हूँ तो फिर आपके लिए व्लॉग एक डाल लेती हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आते हो तो प्लीज़ कर देना है लाइक, ठीक है। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ठीक है। आने वाली नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाएगी टाइम पे, ठीक है। अभी तो बहुत ही लेट हो जाता है, तो वैसे तो मैं पूरा वो करती हूँ कि मेरा व्लॉग जो है वो डेली का जाए, लेकिन क्या करें, फिर इंशाल्लाह रोज़ की रूटीन बनानी पड़ेगी। तो कैसा जा रहा है आप सबका रमज़ान? उम्मीद करती हूँ सबका रमज़ान अच्छा सा गया होगा और अपने घरों में सेफ भी होंगे, है ना, क्योंकि लॉकडाउन लग गया है और मार्केटें जो हैं वो बंद हो गई है। और कितना जो है वो वैसे तो हर रमज़ान में मज़ा होता था, लेकिन इस बार जो है वो थोड़ा सा कम, क्योंकि रात में हम तो बाज़ार रात में जाते थे, लेकिन इस बार जो है बाज़ारें जो है रात में बंद है, दिन में खुली हैं। तो दिन में जाने का धूप में मन ही नहीं चाहता कि बाज़ार सुबह में जाए, पर क्या करें, चले अभी जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने डिज़ाइन पे जैसे कि आप देख रहे हैं सिलाइयाँ कर रही हूँ, सिलाइयाँ हो जाएंगी तो फिर इसकी जो कपड़ा है, एक्स्ट्रा कपड़ा है, उसको कट कर लेना है। और इसके बाद जो है मैंने इसको वो कर देना है फोल्ड। और उम्मीद कर रही थी कि आपको अच्छे से दिखाऊं, और लाइटिंग की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, आप देख सकते हैं कि बहुत ही अंधेरा था। तो बस यहाँ पर एक्स्ट्रा कपड़ा जो है वो मैं काट रही हूँ, और जब ये कट कर लेंगे तो इसको हमने जो है वो कर देना है, सीधा कर लेना है, ये जो उल्टा है उसको सीधा कर लेना है। और उसको मैं प्रेस कर लूँगी, तो आपको मैं दिखाती जाऊँगी, आपको फुल वॉच वीडियो देखनी है, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो कट में लगा रही थी, कट लगाना भूल गई थी, तो मैंने जब इसको
सीधा किया तो सीधा नहीं हो रहा था, इसलिए फिर से कट लगा रही थी। और ये ध्यान में रखना है कि आप लोगों को सिलाई पे कट नहीं लगाना है, ठीक है। अगर सिलाई पे कट लग जाएगा तो फिर आपकी जो डिज़ाइन वो ख़राब हो जाएगी, और ऐसी डिज़ाइनें ख़राब हो जाती है तो फिर बहुत ही जो है वो दिल ख़राब हो जाता है। मैं तो ऐसी डिज़ाइन करती हूँ तो बहुत ही डर डर के, जैसे कि बहुत ही खौफ रहता है कि अच्छे से हो जाए, लेकिन माशाल्लाह से अच्छे से हो गई डिज़ाइन, आप देख सकते हैं। और इसको मैं प्रेस करूँगी, फिर भी थोड़ी बहुत जो है वो 19-20 हो गई है, और शुरुआत में तो हो ही जाती है 19-20, आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है वो सफाई से कट नहीं आए हैं। तो प्लीज़ कमेंट्स में ये मत बोलना कि डिज़ाइन अच्छी नहीं बनाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम हर किसी के साथ हो ही जाता है। तो ये मैंने डिज़ाइन जो है वो फर्स्ट टाइम बनाई है। और वैसे जैसे भी मैं डिज़ाइन के कपड़े सीती हूँ, अगर आप लोग को सीखने हैं या आपको आप लोग चाहते हैं कि मैं आपको दिखाऊं व्लॉग में मैं अपने, तो आप लोग कमेंट्स में बताना, मैं ज़रूर दिखाऊंगी, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है मैं कर रही थी सिलाई, और मेरी सिलाई इतनी लंबी हो गई थी ना कि वैसे तो मैं जो है वो शलवार जो होती है वो मैं आधे घंटे घंटे में सी लेती हूँ शलवार आराम से, लेकिन आपके व्लॉग में मेरी शलवार को जो है वो 2-2.5 घंटे लगे, क्योंकि व्लॉग भी साथ ही साथ बना रही थी और आपके लिए, और सिलाई भी कर रही थी तो मुझे बहुत टाइम लगा। और जो शर्ट है वो मैंने जल्दी सी ली थी, क्योंकि शर्ट मैंने सी ली थी रात में बैठ के, तो वो सी गई थी। तो बस यहाँ पर जो है मेरी शलवार होती रहेगी, और जोड़ भी लगे थे वो भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी कि जोड़ मैंने लगाए हैं। तो ये जो है ये सीधा कपड़ा है और पीछे का उल्टा कपड़ा है, और एक ही साइड पे दोनों बंच है जैसे आगे पीछे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने इन दो हिस्सों में कपड़ों को कर लिया है अलग, और अब जो है मैंने इसके जोड़ लगाने हैं साइडों पर। तो यहाँ पर जो जोड़ लगाऊंगी, और वैसे तो आप लोग भी जोड़ में अगर डबल सिलाई लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे तो शलवारों में डबल सिलाई रहनी चाहिए, अच्छा रहता है एक ही सिलाई। और पता नहीं क्यों मुझे ना, या मेरी सिस्टर के कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं सीले हुए, ठीक है, जो मेरी सिस्टर सीती है वो उसके कपड़े मुझे सही रहते हैं, या फिर मैं खुद सीती हूँ तो मुझे अपने अच्छे लगते हैं, और मुझे दर्जी की सिलाई अच्छी नहीं लगती। ज़रूरी नहीं है कि दर्जी की सिलाई अच्छी होती है, बेस्ट होती है, लेकिन जो है मनी में बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, तो पैसे दर्जी के बहुत आसमानों पर रेड होते हैं, तो इसलिए मैं दर्जी को तो देती नहीं, मैं खुद से सिलाई कर लेती हूँ, या फिर नहीं होती तो मैं अपनी सिस्टर को दे देती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैं जोड़ के जो सिलाई है वो लगा रही हूँ। वैसे भी मेरी जो शलवार है, जो ये है शलवार, इसमें जोड़ नहीं आते हैं, लेकिन जो ये इसकी जो बंच थे वो ऐसी तरह के थे कि उसमें जो है मेरी शलवार में जो है वो जोड़ आ रहे थे, और जोड़ लगाना मुझे इतना वो हो रहा था, बहुत ही मुझे जोड़ लगाने में बहुत ही वो होती है, पता नहीं क्यों। अब यहाँ पे मैंने जोड़ के देखे आप लोग, जोड़ मैंने लगा लिए हैं शलवार पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है मेरी शलवार जो है साइड की सिलाई लगाऊंगी, लेकिन इससे पहले जो डिज़ाइन है वो लगाऊंगी, जो मैंने पट्टियाँ लगाई थी वो पट्टियाँ लगाऊंगी, ठीक है। तो वो पट्टियाँ लगा के और साइड की सिलाई कर लूँगी, हो गई शलवार तैयार। आप लोग शलवार कहते हो कि क्या कहते हो, पजामा या हिजार क्या कहते हो, ट्राउज़र, हाँ ट्राउज़र ही है ना, मैं तो शलवार ही कहती हूँ। तो यहाँ पर सिलाइयाँ करूँगी और फिर यहाँ पर करूँगी साइड पर, ठीक है। लेकिन इससे पहले जो यहाँ पर पट्टी लगेगी, जो मैंने पट्टी आपको दिखाई थी डिज़ाइन वाली, उसको मैंने लगानी है उल्टा करके और सीधा करके ऊपर से सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पर जो है मेरा पैंचा होगा तैयार, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कर देना है लाइक, ठीक है। न्यू हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है, शेयर करना है। तो बस कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, ठीक है, और कमेंट्स आपको ज़रूर करना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।
अल्लाह हाफिज। Thank you.